नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज स्थित संगम में लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर समिति कोटी तीर्थ कुंड की सफाई करा रही है। पिछले 3 सालों से प्रकृति और विज्ञान की मदद से इस कुंड के पानी को साफ किया जा रहा है। इसी जल से हर रोज भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। बिहार के सीतामढ़ी के धार्मिक महत्व में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। यहाँ देवी सीता का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। अब यहाँ देवी सीता की विशाल प्रतिमा बनाने की तैयारी की जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर कलमौड़ा में पुरातत्व विभाग को 1000 साल पुराना भगवान शिव का गर्भगृह मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ परमारकालीन मंदिर के शिलालेख के खंड भगवान शिव, विष्णु, नंदी और जलहरी की खंडित प्रतिमाएं मिली हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 2 अप्रैल को उज्जैन में टावर चौक पर स्थापित की जाएगी। इसमें ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकेगा। 19 फरवरी से वाराणसी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। 26 फरवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री लोगों को भगवान की लीलाओं से अवगत कराएंगे। आप दोपहर 3:30 बजे से इस कथा का प्रसारण संस्कार चैनल पर देख सकते हैं। अब जल्द ही विदेशी श्रद्धालुओं के पास पहुंच सकेगा बाबा वैद्यनाथ धाम के प्रसाद में चढ़ने वाला पेड़ा। इसके लिए जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द से जल्द इसे लागू करने का भी निर्देश दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर राजपुरा गांव के पास संगमरमर से निर्मित इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 19 और 20 फरवरी को मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया के पास जानकीपुर में विराट रामायण मंदिर बन रहा है। ये बिहार का सबसे भव्य मंदिर होने के साथ ही देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। इस मंदिर की खास बात इसकी ऊंचाई है। ये 270 फीट ऊंचा, 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। माता वैष्णो देवी के भक्तों को मिलने वाली सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। इसके लिए प्रसाद योजना के तहत पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके जल्द ही लागू होने की उम्मीद भी है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। क्या आपको पता है कि लखीमपुर खीरी का नर्मदेश्वर महादेव मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के साथ साथ मेढक की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ये मंदिर मांडुक तंत्र पर आधारित है, जिसकी वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। रेगिस्तान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में मरु उत्सव का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चले इस उत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ लोक कलाकारों ने लोगों को खासा आकर्षित किया। इस बार इस उत्सव को उम्मीदों की नई उड़ान नाम दिया गया। प्रभु श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट के धार्मिक स्थलों पर पॉलिथीन, घाटों पर साबुन और शैंपू के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ मठ मंदिरों के अलावा अन्य जगहों पर आयोजित होने वाले भंडारों में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामानों के खरीद बिक्री और इसके इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। IRCTC देश भर के 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए 21 मार्च को एक विशेष ट्रेन चला रहा है। इस ट्रेन के लिए रिजर्वेशन का काम शुरू हो चुका है। इस यात्रा पैकेज में यात्री 7 ज्योतिर्लिंग के अलावा गुजरात स्थित द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। महाशिवरात्रि के दिन होने वाली भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी तैयारी कर रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड स्थित देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। इस मौके पर मंदिर में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर 2-2 घंटे के स्लॉट का चयन कर मंदिर के भीतर गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर अपने 74 साल पुराने स्वरूप में लौटेगा।
पुरातत्व विभाग की देखरेख में इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। राजस्थान के कारीगरों की मदद से मंदिर की निचली छत को करीब 15 से 20 फीट आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार के बेगूसराय स्थित बाबा हरिगिरी धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां शिव बारात और झांकियां निकाली जाती है, साथ ही भव्य शिव श्रृंगार का भी आयोजन होता है। अब अमेरिका में भी आप ले सकते हैं शिव पुराण कथा का आनंद। परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में नासिक में आयोजित हुए इस कथा और सर्वदोष निवारण यज्ञ अनुष्ठान का संस्कार यूएसए पर विशेष प्रसारण होगा, जिसे आप 23 से 26 फरवरी सुबह 10 बजे से और 27 फरवरी से 1 मार्च तक दोपहर 1 बजे से देख सकते हैं। इस बार 6 से 15 मार्च के बीच राजस्थान के सीकर में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। मेले में वही लोग हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। तो ये थी धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधियां या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।